अगर आप बिना किसी अपराध किए आगरा में जेल जैसा अनुभव करना चाहते हैं, तो आपके लिए आगरा के कारगिल पेट्रोल पंप के नजदीक डीजल हाउस रेस्टोरेंट बहुत रोचक विकल्प हो सकता है। यह रेस्टोरेंट जेल के अनुभव को मिमिक करने के लिए जेल की तरह डिजाइन किया गया है और आपको यहाँ एंट्री करते ही जेल जैसा माहौल मिलेगा। यहाँ के कैबिन भी जेल की सलाखों के रूप में डिजाइन किए गए हैं और लोग यहाँ बैठकर आराम से स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। दीवारों पर पेंटिंग्स के माध्यम से वांटेड क्रिमिनल्स के पोस्टर बनाए गए हैं और स्लोगन्स लिखे गए हैं, जो इस रेस्टोरेंट को जेल जैसा रियल फील कराते हैं। लोगों को यह जेल रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है। टी जेल हाउस के मालिक राजेश अग्रवाल बताते हैं कि वास्तव में उन्हें इस रेस्टोरेंट का आइडिया 2015 में मिला था। उनकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी और तब उन्होंने सोचा कि इसे कुछ विशेष तरीके से उपयोग किया जाए। 2015 में जो खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टी थी, फिर हमने सोचा कि इसको कुछ यूनिक करना चाहिए। आगरा शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, हमने कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट पहला आगरा में, ये हमारा पहला रेस्टोरेंट है जो कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट है। 2016 सितंबर में हम लोगों ने ओपन किया। कैसा लगता है जब लोग जेल जैसी फीलिंग देखते हैं, जेल जैसा आउटलुक देखते हैं? लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बाहर की आप लाइव फीडबैक ले सकते हैं, लाइव लोग खाना खा रहे हैं, आप सब लोगों से पूछ सकते हैं फूड क्वालिटी के बारे में। कुछ लोग हमारे परमानेंट कस्टमर भी हैं इसमें, जो भी आप पूछना चाहें आप। सारा नॉर्थ इंडियन फूड हमारा स्पेशलिटी है, तो बढ़िया फूडिंग, बढ़िया क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सारी चीज़ें। एवरेज प्राइस हमारे 250 रुपये पर हेड के, 250 से 300 रुपये पर हेड में एवरेज में आदमी बढ़िया खाना। 2016 में उन्होंने डी जेल हाउस रेस्टोरेंट की शुरुआत की। उन्हें आगरा शहर में कुछ अलग करने की आवश्यकता थी और इसीलिए उन्होंने अद्वितीय कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, जिसमें रेस्टोरेंट का माहौल जेल की तरह था। उस समय यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया और अनोखा था। आगरा में यह पहला रेस्टोरेंट है जो आपको जेल जैसी फीलिंग प्रदान करता है, खासकर वो लोग जो खाने का शौक रखते हैं और नई जगहों का आनंद लेना पसंद करते हैं। यह रेस्टोरेंट उन लोगों को काफी प्रिय होता है। इसके इंटीरियर में काफी ध्यान दिया गया है, जो उसे जेल की भावना प्रदान करता है। रेस्टोरेंट की डिजाइनिंग को खासकर जेल की तरह बनाया गया है, जिसमें लोहे की सलाखें भी शामिल हैं। दीवारों पर वांटेड क्रिमिनल के कार्टून पोस्टर लगाए गए हैं, जो इस रेस्टोरेंट को जेल के असली माहौल में बदल देते हैं। राजेश अग्रवाल का कहना है कि हमने खाना लोगों के लिए बजट में रखा है। 250 से 300 रुपए में आपको महाराजा थाली मिलेगी, जिसमें 5 सब्जी, रायता, सलाद, चावल, 1 गुलाब जामुन, अचार, पापड़ और 2 तरह की रोटियां शामिल होंगी। हमारे डीजल रेस्टोरेंट का पनीर भी बेहद प्रसिद्ध है। इसके अलावा लोग उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय खाना भी आनंद से खाते हैं। यह रेस्टोरेंट लंबे समय से चल रहा है, इसलिए अब इसके खाने की मिठास लोगों की जुबान पर आ गई है। हम हाइजीन के साथ साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखते हैं, जो कि कस्टमरों का हम पर विश्वास और बढ़ाता है। रेस्टोरेंट सुबह 11 से रात के 11 तक खुलता है। इसके साथ ही वहां फैमिली के साथ खाना खाने आने वाले नवनीत चौधरी बताते हैं कि वे डी जेल हाउस में नियमित ग्राहक हैं। उनकी पहली बार वहां आगमन में रेस्टोरेंट का आकर्षक लुक और थीम उन्हें काफी प्रभावित किया था। मैं बहुत दिन से आता हूं यहां पे, कहीं भी बाहर भी हूं तो कोशिश यही रहती है खाना यहीं पे रहे। बिल्कुल अंदर एंट्री लेते ही जेल जैसा रेस्टोरेंट। हां बिल्कुल लगता है। पहली बार तो न्यू लुक लगा था, बिल्कुल कहीं ऐसा देखा तो था नहीं। ये हुआ जेल जैसी फीलिंग आती है। बिल्कुल आती है। वहाँ की जेल जैसी फीलिंग और लाजवाब खाना उन्हें बहुत पसंद आया था।